नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। अफराद ना नापें, हैवानियत की हद पर सवाल तो करें। हैदराबाद की महिला डॉक्टर को जलाकर मार डाला गया। दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। हैदराबाद जैसे शहर में ये घटना देश में महिला सुरक्षा के लिए बने तमाम नियमों को जलाकर राख हो जाना साबित करती हैं। जिस हाल में उनका शव मिला है उसमें भी तो राख से ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने जानवरों के इलाज की पढ़ाई की थी, लेकिन बेचारी इंसानी जानवरों का इलाज नहीं ढूंढ पाई। किसी अपराध को नापा नहीं जा सकता, लेकिन इंसानी हैवानियत की हद पर सवाल तो उठाया जाना चाहिए। दुष्कर्म पीड़िता के कपड़ों पर सवाल उठाने वालों से पूछें, इस पीड़िता के कपड़े तो ठीक थे, फिर उसे ये सजा क्यों? गलती सिर्फ इतनी की कि गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी थी। कुछ हैवानों ने उनका पीछा किया और जबरन मदद की कोशिश की। बहन से फ़ोन पर आखिरी बात की थी उन्होंने, और फिर हमेशा के लिए चुप कर दी गई। सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार कब तक चुप रहेगी? कब तक सुरक्षा के लिए उठी आंदोलन की चीखों को दिखावटी पैबंदों से ढकने की कोशिश होगी? कब तक सड़कों पर अकेली निकलने में औरत डरती रहेगी? और कब तक दानों से अपराधी यूं ही खुला घूमते रहेंगे? देश के बड़े शहरों में शुमार है हैदराबाद, जहां हादसा हुआ वह एयरपोर्ट का इलाका है। क्या पुलिस और सुरक्षा जैसी कोई मौजूदगी वहाँ नहीं थी? यदि मान भी लें कि जो अपराधी थे उनकी मति और इंसानियत दोनों मारी गई थी, तो क्या उन्हें रोकने एक भी जिंदा इंसान नहीं था? वहाँ रात भी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। 9 बजे के आसपास की यह घटना है। पेट्रोलिंग के लिए तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों को कई बार यहाँ से गुजरना था, जो शायद गुजरी नहीं, और अगर गुजरी भी है तो भीतर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले नहीं बूथ बैठे थे, जिनसे सुरक्षा की उम्मीद अब कम ही बाकी रह गई है। उन तमाम योजनाओं और अभियानों से क्या आस लगाई जाए जो चीख चीख कर नारी सुरक्षा के कसीदे पढ़ते हैं? एहसान होगा यदि एक बार समाज अपने से हैरानियत की हदों पर सवाल पूछ ले, वरना देश के हालात तो ऐसे हैं कि 4 में से 1 अपराधी ही दुष्कर्म करने की सजा पाता है। 1973 में 44% अपराधियों को सजा हो जाती थी, और 2016 में आंकड़ा 25% तक गिर गया। शायद यही वजह है कि देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है।